हमारे लिए, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो परीक्षित जी, आज जिस समय प्रहलाद ने पूछा है मैया, मैं उसका नाम पूछना चाहता हूं, तो बुढ़िया नाम बता रही है, सुनो वो नाम कौन सा है। भगवान के तो नाम बहुत है। अरे मूर्ख जा को मरम न जानो, और चतुरा पी गए बेटा, राम के नाम में इतना बल है कि उसे स्वयं राम भी नहीं जानते, राम भी नहीं जानते। और सुनो सभी श्रोता बंधुओं, भगवान के नाम तो बहुत हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन उसके नाम नहीं गिने जा सकते, लेकिन फिर भी राम का ही नाम सबसे ऊपर क्यों है? यह देवऋषि नारद ने मांगा था भगवान राम से स्वयं। नारद जी ने जब भगवान राम से भेंट हुई थी जंगल में, तो श्री राम ने नारद जी से पूछा, कहो देवऋषि कैसे हो? महाराज खूब बढ़िया हैं, पर हम एक चीज मांगना चाहते हैं तुमसे। देखिए क्या मांगा था देवऋषि नारद ने, लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में, क्या? यद्यपि प्रभु के नाम एक से एक बढ़ के नाम है, इसे श्रुति कहते हैं, वेद से, वेद इस बात का संकेत करते हैं। लेकिन प्रभु मेरी मांग तो जी है, कौन सी? राम सकल नाम पक्षी को मारने के लिए मैं ये मांग रहा हूं कि राम का नाम सबसे ऊपर। ला तुम बैठ ले करो, चलन देवी नहीं तो चलता रहता कैमरा। राम का नाम सबसे ऊपर हो। और तुमने सुना है राम राम नहीं करते थे तब क्या कहते थे? कहीं जय जीव पास बैठा रहे, उस समय जय जीव बोला जाता था। और तब शुरू भाई राम 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 सा। तुमने देखी हुई बड़े बूढ़े में अबे जिंदा बैठे हैं, सवेरे मिल गए तो राम राम, दोपहर को मिल गए तो राम राम, रात को मिल गए तो राम राम। राम कहे और राम कहां बे, और दोनों उनको फल आप ही। आज सवेरे मिल जाए तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को मिल जाए तो गुड आफ्टरनून, शाम को मिल जाए तो गुड इवनिंग, रात को मिल जाए तो गुड नाइट। लेकिन मेरे भारत की संस्कृति में अभिवादन कितने अच्छे थे, राम राम सा, प्रणाम और नमस्ते, ये अभिवादन थे। एक ही नाम ध्यान रखना, राम, बस इससे बड़ा कोई नहीं। पर सुनो, एक बहुत अच्छा दृष्टांत बताएंगे, सब बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई बात नहीं करेगा बिल्कुल, और बिल्कुल बात अच्छे पॉइंट पर पहुंच जाए,
और मन भीतर ते करे ताली बजावे को तो बजाइयो, मन ना करे तो बिल्कुल मत बजाइयो। पर मुझे विश्वास है कि मन जरूर करे। कब? तुम्हें पता है जब भगवान श्री राम ने पुल बांधा था सागर पे, तो प्रत्येक पत्थर पर राम लिख दिया। एक एक पत्थर पर राम लिखा गया और वो राम लिखा हुआ पत्थर पानी पे तैर गया, पानी पे। और जिसमें लंका में रावण के वीरों को पता चला, सब वीरों ने हथियार डाल दिया, हथियार डाल गए सब। रावण जी क्या कर रहे हो? क्या महाराज अब हमारा कब्जा नहीं है? क्यों नहीं है? कि जब पत्थर पर राम लिखा गया और वो पत्थर पानी पर तैर गया, तो जिस दिन राम आएंगे तब क्या होगा? हिम्मत हार गए, हिम्मत हार गए थे जवान। परिचय जी का उन्हें कही तो नहीं ताली बजावेगी, लेकिन भगवान के प्यार में जिस समय आत्मा भीतर से जवाब देती है तो हाथों को कोई रोक नहीं सकता। अब ही तो फिर बजेगी। और सही बता रहा, देखो अगर आत्मा कहे तो बजा दियो, पर ऐसा मत करियो कि भीतर से आत्मा कहे तो जबरदस्ती आत्मा बांध लो, तो नहीं फिर भगवान नाराज हो जाएंगे। तो आर रावण ने कही कि सुनो, हिम्मत कैसे हारे हो? कि मारा हिम्मत तो यूं हारे कि जाके नाम है लिखवे थे पत्थर पानी पर डोल गए, वो राम खुद ही आएंगे तब क्या हो जाएगा? तो रावण ने की कि जो कोई बड़ी बात है कि तो कि पत्थर को तो हम भी तैरा देंगे। सब जवान बोले कि महाराज पत्थर है तुम तैरा दोगे तो कुश्ती बराबर किया, फिर तो लड़वे तैयार है। तो रावण ने की मैं लाऊ इनको सबन को कुनबा की मुक्ति करवा दे, के सब हट जाएंगे तो फिर मरेंगे कहां? तो आ जाओ चलो। उसने राम लिखा है पत्थर पे और मैं अपना नाम रावण लिखूंगा पत्थर पे। अगर पत्थर तैर जाए जल पर तो लड़ लोगे कि हमारा तो लड़ लो? तो सब जवान लेके आए मंदोदरी संगाई। और परिचय जी जो कोई कितनो तीस मार खा हो वे, वो बार कितो झूठ बोले आवे, पर घरवाई के सामने वो असली हथिकाता ही कह रहे हो। तो जो सब लाइन में लगे ठाड़े भय, और रावण ने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और सागर के किनारे पे आकर के बैठा और उसने अपना नाम लिखा रावण पत्थर पे। और जैसे उस पत्थर को उठाकर उसने मुंह से लगाया और मुंह से पत्थर को लगा करके पानी में छोड़ दिया। पानी में जब पत्थर छोड़ा, एक कदम पत्थर डूबा और फिर पत्थर पानी पे तैर गया। जो पानी पे तैर के पत्थर चला, सो रावण के जवानों ने हथियार उठा लिया। महाराज अब बराबर की कुश्ती है। जब रावण भवन में आया तब मंदोदरी की, महाराज इतने आ जाओ, तुम भले ही काऊ पागल बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं बना सकते। मैं जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में इतना बल नहीं है, न तुम्हारे नाम में इतना बल है कैसे तुम पानी के ऊपर पत्थर तैरा दो। महाराज यहां बता दो अकेले में बात कहा है। मंदोदरी ने निक्केवार बंद कर दिया, फाटक बंद कर दिया। महाराज तुम्हें अपने पिता विश्रवागी के समझ सही बताना, झूठ मत बोलना, पत्थर तुम्हारे हाथ से कैसे तैर गया? तब रावण ने कही मंदोदरी, जिस समय तुमने देखा था कि मैंने पत्थर के ऊपर रावण लिखा क्या लिखा था, तो मैंने वो पत्थर उठाए के अपने मुंह में लगा कि हां लगाया था, तो मैंने कही थी उस पत्थर से जिस पर रावण लिखा गया कि हे पत्थर तुझे तेरे राम की सौगंध है, पानी के ऊपर तैर। ये बल है राम में, ये बल होता है राम में। तो मंदोदरी उस पत्थर को तैराने में मेरा कोई काम नहीं, मेरा कोई बल नहीं है, वो बल है तो श्री राम का है। लेकिन इस भेद को किसी से बता मत देना, मैं परमार का तारण करना चाहता हूं। अब सामना करूंगा तो दुश्मनी से ही करूंगा, राम से। ये बल होता है राम में। अपत अजामिल गजगन काऊ, भय मुकत हर नाम प्रभाऊ, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण। राम भी नहीं जानते कि मेरे नाम में कितना बल है,
सो प्रहलाद को विश्वास हो गया कि जब दुनिया में राम से बड़ा अब कोई कोई नहीं है, बस राम से कोई बड़ा नहीं है। तो इसी उपलक्ष में मंगेश शास्त्री एक भजन सुना दो, और हमारे परीक्षक जी और दूधिया भैया ने करंट ऐसा लग जाए जैसे बिजली को लग जाए 440 अपने आप लग जाते हैं ना मैं।